वो है शहादत कब तक। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले पर सियासत बीजेपी ने दिखाई दे रही है और बीजेपी ने इस पर हमले बोले हैं, कई तरह के सवाल उठाए। पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बड़ा बयान आया, कांग्रेस सरकार बनने के बाद बड़ी नक्सली गतिविधियां में इजाफा हुआ है और कांग्रेस सरकार में बस्तर में जो नक्सली घटनाएं बढ़ी है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। पूरी घटना में सरकार और रणनीति में चूक है, सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और अब तक के नीति में परिवर्तन हुआ है, ये सीएम भूपेश बघेल का क्या कहना है। उन्होंने कहा पहले नक्सली कैंप में हमला करते थे, अब जवान नक्सली को सर्च कर ढेर करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लेकिन दोनों मेहमानों का क्या कहना है, पर बड़ी घटना है आज हमने देखा, भूपेश बघेल भी वहां पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किया है उनके साथ, वहां के भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है वो भी पहुंचे हुए थे। लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने अपने परिजनों को देश के नाम शहीद कर दिया और उनको भी सलाम जिन्होंने देश के नाम अपनी कुर्बानी दे दी। और बड़ी गमगीन तस्वीरें वहां से सामने आई जिन्हें आप देख रहे हैं, भूपेश बघेल पहुंचे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। लेकिन अब ये पूरे मसले पर सियासत गरमाई, सुन लीजिए क्या कहना है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद 2019 से साउथ बस्तर, चाहे वह नारायणपुर हो, चाहे बीजापुर हो, चाहे सुकमा हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, वहां पर नक्सल गतिविधियों का प्रभाव बड़ा है। चाहे भीमा मंडावी की हत्या हो या संसदीय सचिव के कार पर हमला हो, जनप्रतिनिधियों की हत्याएं हो, या लगातार उस क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के जवान लगे हुए हैं, उनके ऊपर लगातार हमले होते रहे। जिस प्रकार से इन्होंने इस क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है, ये अमर रहेंगे, पार्टी सदैव उनको याद करती रहेगी, देश उनको याद करता रहेगा। और निश्चित रूप से मैं मांग भी करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से भी कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सुधारे। पिछले काफी दिनों से लगातार टारगेट किलिंग के नाते किलिंग किए जा रहे हैं, जब जब भी कोई भी बड़ा लीडर अगर आता है विरोधी दल का तो कहीं ना कहीं किलिंग हो रही है, इसको तुरंत रोकना चाहिए। किसी की भी किलिंग हो, किलिंग होती है। और ये जो प्रकार से जवान शहीद हो रहे हैं उनकी रक्षा के हेतु स्टेट गवर्नमेंट को बहुत चिंता करके व्यवस्था करनी चाहिए। पहले और अब में बड़ा अंतर आया है, पहले कैंपों पे हमला होता था और जवान अपनी सुरक्षा करते थे, आज नीति में परिवर्तन हुआ है, अब हमारे जवान सर्च करके उसके साथ मुठभेड़ करके लड़ाई लड़ते हैं और नक्सलियों को भी अपने जवान गंवानी पड़ती है। तो हमारे जवान कैंपों में अपनी जान नहीं दे रहे हैं बल्कि लड़ते हुए शहादत हो रही है। चल, आप सुन रहे थे किस तरह राजनीति गरमाई हुई। भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि पहले और वर्तमान में क्या फर्क है वो उन्होंने बताया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो माथुर की बात करें या बाकी नेताओं की, उन्होंने सीधा हमला बोला है। लेकिन जिम्मेदार कोई भी हो, घटनाएं तो हुई है, अब घटना के पीछे जाँच भी होगी, बाकी चीजें भी सामने आएंगी। लेकिन जिन्होंने अपने परिजनों को गंवा दिया उनका क्या होगा, निश्चित रूप से उस पर उन तमाम परिवारों को बंसल न्यूज की तरफ से सलाम करना चाहिए और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन लोगों को। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब इस पर राजनीति कितनी कर पाएगी। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र वर्मा है प्रवक्ता कांग्रेस के और देवलाल ठाकुर जी है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सुरेंद्र वर्मा जी, क्या बातें सामने आ रही है, करीब करीब हम देखें तो 24 घंटे होने को है इस पूरे घटनाक्रम को, मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे, उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जो आप कह रहे थे कि यहां पर नक्सल खत्म हो रहा है, नक्सलवाद में काफी कमी आई है, एक बार फिर उन्होंने चुनौती दी है। मनोज जी, निश्चित रूप से बेहद दुखद है, शहादत को नमन। कल छत्तीसगढ़ महतारी ने अपने 11 पुत्रों को खोया है, शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीतिक गिद्ध की भूमिका में है, इनको राजनीति के लिए अवसर मिलेंगे, मुद्दे भी मिलेंगे। लेकिन जिनके कुशासन में नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में फला फूला, सुदूर दक्षिण बस्तर के 3 ब्लॉक से 14 जिले तक खाद पानी देकर जिन्होंने प्रसारित किया, वो आज आरोप लगा रहे हैं। देखिए, 3 दिन तक सुरक्षा बल के जवान निकले थे सर्चिंग में,
नक्सलियों से मुठभेड़ भी हुए, गिरफ्तारी भी हुई, घायल भी हुए नक्सली, वापस लौट रहे थे, तो यह निश्चित रूप से दुखद घटना है। लेकिन इस पर राजनीति करना मैं समझता हूं मनोज जी उचित नहीं है। ये नक्सलवाद जो है वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और जिस प्रकार से सरकार भूपेश बघेल सरकार ने विश्वास, विकास और सुरक्षा के नारे को लेकर जो बस्तर में काम किए हैं, ये उसका उदाहरण है। पिछले चार साल में नक्सल घटनाओं सुरेंद्र वर्मा जी, लेकिन जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें तो इनपुट भी इस तरह से थे कि कोई बड़ा वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। लगातार पुलिस सर्चिंग कर रही थी, 3 दिन तक सर्चिंग करती रही, बावजूद इसके ये पूरा घटनाक्रम हो जाता है, तो कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ी हुई, चूक तो हुई है। याद होगा, आपको याद होगा, जितनी भी बड़ी नक्सल वारदातें हुई है वो मार्च, अप्रैल या मई के महीने में हुई है। ताड़मेटला का जो 2010 में 76 जवान जो शहीद हुए थे, वो घटना भी अप्रैल की थी। तो बड़े घटना रानी बोदली में आपको याद होगा 55 जवान शहीद हुए थे, वो घटना भी मार्च की थी। तो मार्च, अप्रैल और मई के महीने में बड़ी वारदात हुए हैं, ये इतिहास रिकॉर्ड रहा है। लेकिन सर, इतिहास सुधरेगा कैसे, ये कैसे सुधरेगा, वो तो आप भी कह रहे हैं, हम भी मान रहे हैं कि इन्हीं दिनों में होती, जब ये बहुत स्पष्ट है कि इन दिनों में घटना होती, तो इतिहास को ठीक तो करना पड़ेगा। मनोज जी ये अंतर, ये बदलाव बस्तर में आए हैं। 2018 तक 2004 के बीच में 1099 जवान और 1500 सिविलियंस, कुल 2500 से ज्यादा शहादत हुई थी। शहादत की घटनाओं में तो 70% से ज्यादा कमी आई है। ठाकुर साहब वो कह रहे हैं कमी आई है, जवाब दीजिएगा देवलाल ठाकुर जी। पहले तो मैं सारे 11 जो लोग शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूँ, हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित ही इस प्रकार की दंतेवाड़ा में जो नक्सली घटना हुई है वो दुखद है, चिंताजनक है, छत्तीसगढ़ के लिए ठीक नहीं है। आज पूरा छत्तीसगढ़ दुख से भरा हुआ है, और ये दुख उस समय और बढ़ जाता है जब कांग्रेस के लोग कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य रंजीता रंजन जी जो छत्तीसगढ़ से जाती है, वो तो नक्सलियों को अपना भाई बताती है। अब वही उनके भाइयों द्वारा जवानों की हत्या कर दी जा रही है, तो कांग्रेस के लोगों को बताना चाहिए कि भाई लोग कैसे ऐसा काम कर रहे हैं कांग्रेस के जो भाई लोग हैं। और वही कांग्रेस के भाइयों को, नक्सलियों को इलाज कराने के लिए कांग्रेस के लोग दूसरे राज्य ले जाते हैं, उसके भरण पोषण पालन के लिए, परोपकार के लिए उठकर खड़े हो जाते हैं, उन्हें संरक्षण देने के लिए खड़े हो जाते हैं और आरोप करते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो कांग्रेस के इस मूल चरित्र, दोहरे चरित्र को समझने की सर, लेकिन घटना कोई नई तो है नहीं, पहले भी घटनाएं होती रही है, आपके समय भी घटनाएं हुई है, फिर कहां गड़बड़ कहां होती है? मैं तो दोनों की बात करूंगा, बीजेपी की भी कांग्रेस की। घटनाओं पर कमी की बात कर रहे हैं, 2014 के बाद से इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने और गृह मंत्री अमित शाह जी बने, जिन्होंने अभी भी आपने देखा होगा समय समय पर वहां पर जवानों को उत्साह वर्धन के लिए वहां पर नए नए कैंप खोले गए, लगभग 50 कैंप खोले गए, और वहां पर पूरे बस्तर अंचल में जो कनेक्टिविटी के तहत भौगोलिक परिस्थितियों को देखेंगे तो कनेक्टिविटी के तहत जो नक्सली कम हुए ये चीज दिखाता है, वो कहीं ना कहीं रोड की कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाई गई, जिसमें चक्रव्यूह बनाकर उन नक्सलियों को घेरा गया। उसी से ही नक्सलवाद एक समुचित जगह पर सिकुड़ने लगी, इस बात को हम सबको समझना है। दूसरा, टीआरजी जवान को मैं इसलिए नमन और करना चाहता हूँ कि इस नक्सली मूवमेंट को रोकने के लिए जो सबसे बड़ा औजार है हमारे पास, ये टीआरजी कैंप के जवान है, जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को जानते हैं और नक्सलियों को भी पहचानते हैं, इसलिए उनके लिए सबसे बड़ा खतरा ये टीआरजी के जवान होते हैं, और सीआरपीएफ ने कहीं ना कहीं इनको लोकल स्तर पर। सुरेंद्र वर्मा जी, कुछ सवाल है देवलाल ठाकुर जी के, जवाब दीजिएगा, आपने सुन लिया। मनोज जी, जिस बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं, ये बताएं, धर्मेंद्र चोपड़ा भाजपा के तत्कालीन सांसद की गाड़ी से गिरफ्तार हुए, नक्सलियों के साथ लड़ते हैं। सुन लीजिए, रंजीता रंजन सांसद है ना तुम्हारी, सुन लीजिए, रंजीता रंजन सांसद है ना तुम्हारी, कांग्रेस से सांसद है ना तुम्हारी,
संसद भवन में बैठती है ना, संसद भवन में बैठकर उस लोकतंत्र के मंदिर आने का काम सुदूर दक्षिण बस्तर के तीन जिले से जगरगुंडा बासागुड़ा मार्ग जो है, बताइए 15 साल खुला हो तो 312 स्कूल बंद किए बस्तर में, जिसको हमारी सरकार ने पूरा खोला। और है कि नहीं भाजपा के बात से आप नकार सकते हैं क्या? कांग्रेस का मूल चरित्र इसी बात से दिख रहा है कि कांग्रेस के लोग बोलते कुछ हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप अपने सांसद को नकार सकते हैं क्या? आपके सांसद ने सार्वजनिक तौर पर कहा है, इस चीज को नकार सकते हैं क्या? आपको कांग्रेस के लोगों को सोचने की आवश्यकता है। करते रहिएगा, लेकिन दोनों से ये उम्मीद की जा सकती है। सुरेंद्र वर्मा और देवलाल ठाकुर जी, बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े, लेकिन उम्मीदें बहुत है सरकार से, सरकार केंद्र की, राज्य की, सभी से, क्योंकि घटनाक्रम जिस तरह का हुआ है वो फिर से चिंता बढ़ाने वाला है। इससे पहले भी कई बार घटनाक्रम हुए, बीच में कुछ कमी आई थी तो उम्मीदें बंधी थी, लेकिन एक बार फिर नक्सलवादियों ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, चुनौती दी है, बल्कि ये बता दिया है कि अभी भी वो मौजूद है। आप कुछ भी करते रहिए, लेकिन कहाँ चूक हुई ये बड़ा सवाल है, और उन परिवारों के लिए कम से कम जरूर सोचना चाहिए जिन्होंने अपनों को गंवा दिया। दोपहर का दम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।